अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ क्लास टू, टॉपिक ए टाइम्स टेबल। टॉपिक ए टाइम्स टेबल। स्टूडेंट्स, आज हम एट का टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज एट का टेबल है, इसके लिए पेज नंबर 62 ओपन करें स्टूडेंट्स। पेज नंबर 62 पे ये आपको बलून्स की शेप्स नज़र आ रही हैं। विद दी हेल्प ऑफ दीज बलून्स आज हम एट का टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये बोर्ड पे आपको बलून्स की शेप्स नज़र आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास है एट वन जा डैश। अब जो वन है ये स्टूडेंट्स डिनोट कर रहा है कि हमारे पास जो एक रिबन है उसमें कितने बलून्स हैं, ठीक है, और एट होने चाहिए। तो ये मैंने फर्स्ट रिबन में जो बलून्स बनाए हैं वो एट हैं, ठीक है। काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो स्टूडेंट्स, वन रिबन में हमारे पास एट बलून्स हैं, तो हम लिखेंगे वन, एट वन जा एट, ओके। अब सेकंड है एट टू जा, हमारे पास टू रिबन्स होने चाहिए बलून्स के और हर रिबन में एट बलून्स हों। तो ये टू रिबन्स हैं, तो हम इन टू रिबन्स में बलून्स को काउंट करेंगे और टू एट जा लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। तो टू रिबन्स में हमारे पास कितने बलून्स आए हैं स्टूडेंट्स, सिक्सटीन, ओके। अब एट थ्री जा मीन्स थ्री हम रिबन्स में बलून्स काउंट करने हैं। तो ये हमारे पास वन रिबन टू एंड थ्री, तो हम इन तीनों में जो बलून्स हमने बनाए हैं, हर एक रिबन में एट बलून्स हैं, हम उन्हें काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। तो स्टूडेंट्स, थ्री रिबन्स में हमारे पास कितने बलून्स हैं, 24। हमने काउंट किए कितने बलून्स आए हमारे पास, 24। एट फोर था, अब हमने फोर रिबन्स में काउंट करने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास थ्री रिबन्स में हमने काउंट की है तो 24 आया है। तो आगे जो फोर वाला रिबन है मैं वहाँ से 24 से आगे काउंट करूँगी, 25 26 27 28 29 30 31 32, 8 4 सा 32, 4 बलून रिबन्स में हमारे पास बलून कितने आए हैं, 32। आगे स्टूडेंट्स 8 5 सा 5 रिबन्स में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 रिबन्स में करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 4 में जो काउंट किए हैं वो हमारे पास कितने बलून्स आए हैं, 32। अब 32 से आगे हम 5 वाले रिबन में काउंट करेंगे, 33 34 35 36 37 38 39 40। तो 8 5 सा 40, ओके फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट है 8 6 सा, 6 रिबन्स में हमने काउंट करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बलून्स के बोर्ड पे आपको नजर आ रहे हैं 6 रिबन्स बनाए हैं, ठीक है। तो 5 तक हमने जो बलून्स काउंट किए हैं वो हमारे पास आए 40। अब 6 वाले में 40 आगे स्टार्ट करेंगे, 41 42 43 44 45 46 47 48। तो हमारे पास 8 6 का क्या आएगा, 48। 6 रिबन्स में कितने बलून हैं, 48। अब इसके आगे जो 7 8 9 10, आपने अपनी रफ कॉपीज पे 10 रिबन्स बनाने हैं बलून्स के और हर रिबन में आपके 8 बलून्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने 6 रिबन्स की आपको एग्जांपल दी है, अपने रफ कॉपीज पे 10 बनाने हैं। तो अब आगे नेक्स्ट करेंगे 7 रिबन्स में, तो हमारे पास आएगा 56, ओके। अब 8 8 रिबन्स बनाएंगे और उसमें हर रिबन में आपने 8 बलून्स रखने हैं। तो 8 रिबन्स में हम काउंट करेंगे बलून्स, हमारे पास आके आ कितने बलून्स आएंगे, 64, ओके स्टूडेंट्स। फिर 8 9 जा 9 रिबन्स के बलून्स काउंट करने हैं। तो 8 9 सा क्या आएगा हमारे पास, 72, ठीक है। 9 रिबन्स में 72 बलून्स होंगे। और 8 10 जा 10 रिबन्स में कितने बलून्स आएंगे, 80, ओके। हम काउंट करेंगे तो 80 बलून्स आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने विद द हेल्प ऑफ दीज बलून्स हमने आज 8 का टेबल
बनाना सीखा है, ठीक है। तो आपने अपने बुक पेज नंबर 62 पे ए टाइम्स टेबल का बुक वर्क करना है, इसको लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।